नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमीश विशाल आज ICAR पटना के कैंपस में मैं हूं और यहां पे इरिगेशन का एक नया टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक इरिगेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लड इरिगेशन आपको हो गया, दूसरा स्प्रिंकलर मेथड हो गया, आप देख सकते हैं इधर दिखा दो कैमरा में थोड़ा, यह स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया और पीछे आपका ड्रिप हो गया, उधर दिखाओ ड्रिप सिस्टम वो हो गया। तो ये तीन चार टेक्नोलॉजी पहले से ऑलरेडी इरिगेशन की चल रही है और ये चौथा टेक्नोलॉजी मुझे ऐसा लग रहा है कि रेनगन है। तो सबसे मेन बात अभी हम करेंगे कि रेनगन और बाकी जो तीन टेक्नोलॉजी है दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो है कि रेनगन हो गए, आपका पोली ट्यूब हो गया, फिर आपका पोली ट्यूब हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, फिर आपका ड्रिप हो गया। ये तीनों टेक्नोलॉजी में एक सबसे मेजर इशू जो आता है, किसान को एक बार एटलीस्ट बहुत मेहनत करने का ज़रूरत है। पोली ट्यूब में तो जितने बार इरिगेशन करना है, पाइप को सप्लाई को बिछाना है, तब जाके आपको इरिगेशन होगी खेत में। पर फिर इसी तरह से स्प्रिंकलर में भी आपको हर बार बिछाना है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक क्रॉप में एक बार बिछा दिए तो लगा छोड़ सकते हैं अगर आपका दूसरा फील्ड नहीं है इरिगेशन के लिए। तो ड्रिप में भी आपको एक बार बिछाना पड़ेगा, पर रेनगन ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक बार लग गया तो वो एक एकड़ या हाफ एकड़ जो भी आपका प्लॉट है वो दोबारा लगाने का इरिगेशन में कुछ ज़रूरत नहीं। एक बार लग गया तो आपका इरिगेशन होते रहेगा, जब आपको मन है तो बस एक बटन दाबे, यहाँ पे आप ये बल्ब देख सकते हैं, बल्ब को ऑन किए और आपका इरिगेशन चालू हो गया। पर इसमें दो तीन चीज़ें हैं, आपको ये देखना है कि आपका खेत का कितना मीटर चौड़ाई है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये देख के आपको रेनगन परचेज करना होगा। अब रेनगन परचेज कर लिए तो उसके रेनगन परचेज करने से ही पहले अपने को ध्यान रखना है कि अपने को बीच में रेनगन लगाना है या साइड में रेनगन लगाना है, कहाँ पे हमारा कितना बीट आ रहा है, कितना लेंथ आ रहा है। अगर जैसे साइड में लगाना है तो इस साइड में लगाएंगे तो 90, मान लो यही हमारा प्लॉट है तो 90 डिग्री घुमा के हम इस प्लॉट को कवर कर सकते हैं। अगर बीच में लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि दूरी हमारा कवर करे, ऐसा नहीं कि पानी वेस्ट होके प्लॉट से हमारा खेत से बाहर जा रहा। तो ये सब चीज़ों का रेनगन में ध्यान रखना होगा और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि इरिगेशन का सबसे आसान टेक्नोलॉजी, हम मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार बस बटन दाबो, कुछ नहीं करना। ड्रिप में भी वही सेम चीज़ है, बट ड्रिप में स्टार्टिंग में आपको एक बार पूरा सिस्टम को लगाना होगा, खेत में पाइप को बिछाना होगा, इसमें वो सब कोई झंझट नहीं। अब रेनगन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या है। तो ये पेनग्यून PENGUIN कंपनी का, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कौन कौन सी कंपनी का रेनगन आ रहा। तो ये पेनग्यून कंपनी का है और इसका एक कैसे इंस्टॉल होता है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कैमरा वगैरह में ट्राइपॉड वगैरह होते हैं, उसी तरह से ये स्टैंड है, हैवी स्टैंड है। हैवी स्टैंड पे ये 40 mm का पाइप लगा हुआ है, इसमें ये रेनगन इंस्टॉल है। यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का पूरा है, ये आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। अगर हैवी में आते हैं तो हैवी में आप लोहा वगैरह के भी ले सकते हैं, आते हैं कि नहीं ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, पर प्लास्टिक का आपका ये कंफर्म अभी मिल जाएगा क्योंकि 40 mm में अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये नहीं बता सकता हूँ, बट अभी तक जितना मैं यूज़ किया हूँ प्लास्टिक का ही यूज़ किया हूँ। तो ये 40 mm के पाइप में ये लगा हुआ है सारा कुछ। तो किसान भाइयों, आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर एग्रीकल्चर अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके कलीग में कोई जुड़े रहना चाहते हैं तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।